हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मेथी के पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप मेथी के बहुत स्वादिष्ट पराठे तैयार कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए इसे कैसे बनाते हैं और इन्हें फॉलो करके आप बहुत स्वादिष्ट पराठे बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेथी के पराठे बनाने के लिए मैंने लगभग 2 कप के करीब मेथी की पत्तियाँ ले ली हैं और परफेक्ट मेजर बताने के लिए मैं कप से मेजर कर रही हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप इस मेजर से अच्छे से मेथी के पराठे बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 2 कप के करीब नाप करके मेथी की पत्तियाँ ले ली और उसे पानी से धो लिया है। तो फ्रेंड्स, इसे थोड़ा सा इस तरह से हाथ से रगड़ रगड़ के धोना चाहिए जिससे कि मेथी पर अगर कोई मिट्टी वगैरह लगी हो तो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। मेथी की पत्तियों को इस तरह से एक बाउल में आप डाल दें और कोई इस तरह से गहरा बाउल हो जिसमें कि बहुत ज़्यादा पानी आ जाए और मेथी इसमें अच्छे से डूब जाए। और इस तरह से हाथों की मदद से इसे 2-3 बार चलाते हुए आप इसे साफ़ कर लें और ऊपर ऊपर से पत्तियां उठा करके किसी अलग बर्तन में निकाल लें। और फ्रेंड्स, इस तरह से आप 2 या 3 पानी से मेथी की पत्तियों को धो लेंगे तो मेथी में जो भी अशुद्धि होगी वो निकल जाएगी और मेथी की पत्तियों पर अगर कोई भी मिट्टी वगैरह लगी होगी तो वो भी निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेथी की पत्तियों को मैंने धो लिया है और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको बारीक कट करेंगे। तो आप नाइफ़ की मदद से इसे बारीक कट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 पानी में मेथी के पत्तियों को धो लिया है और अब इस तरह से थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ हाथ में लेकर के नाइफ़ की मदद से इसे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। तो आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड पर भी इसे कट कर सकते हैं और मेरे पास आज समय कम था इसलिए मैं इसे हाथ में ही कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हम मेथी की पत्तियों को काट लेंगे और हमें इसे रफली चॉप करना है। तो मेथी की पत्तियों को बहुत ज़्यादा बारीक ना काटें, इसी तरह से बस रफली चॉप कर लीजिए और इसी तरह से सारी पत्तियों को काट करके आप तैयार कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है और इसी तरह से सारी पत्तियों को काट कर मैं तैयार कर लूँगी। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पत्तियाँ काट कर तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे आटा। तो 1 कप गेहूँ का आटा मैंने यहाँ पर डाल दिया है और 1/2 कप बेसन यहाँ पर मैंने डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बेसन डालते हैं तो इससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। और इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे जिसमें मैंने डाला है नमक स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, चाट मसाला पाउडर। तो ये सारे मसाले आप इसके अंदर डाल देंगे और सभी 1/2 चम्मच आप इसके अंदर डाल दीजिए। सारी जो भी चीज़ें हैं सब 1/2 चम्मच करके आप डाल दीजिए और 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल देंगे और उसे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच दही डालकर भी इसमें मिक्स किया है। तो दही डालने से पराठे का जो स्वाद है और भी बढ़कर आएगा। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि सभी को मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया है और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसे हम कंबाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हम आटा गूंथ लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम डो लगाएंगे और ध्यान रखें कि ये बहुत ढीला ना हो जाए और बहुत टाइट भी ना हो। ये आटा जो है बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत लूज़ भी नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये आटा लगकर तैयार हो चुका है। मेथी के पराठे का डो हमने तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप डो पर 2-3 ड्रॉप ऑयल के लगा देंगे और अब इसकी लोइयां तोड़ करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी लोइयां बना ली हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस डो से लगभग 6 से 7 पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी लोइयां तोड़ करके इस तरह से गोल शेप में बना ली हैं और इसे मैं अलग रख दूंगी
और अब चलते हैं पराठे बनाने के प्रोसेस पर। तो फ्रेंड्स, पराठे आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लोई पर सूखा आटा लगा दिया है और इसे इस तरह से बेल लूँगी। और हमें इस तरह से थोड़ा सा बेलने के बाद इस पर ऑयल लगाना है। तो यहाँ अगर आपको लगे कि इसके बेलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाते जाएं और इसे बेलते जाएं। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी और ऑयल लगाने के बाद इसे हम फोल्ड करेंगे। तो इसे मैंने कुछ अलग टाइप से फोल्ड किया है और जिससे कि पराठा दिखने में भी अट्रैक्टिव लगेगा और आपको भी ये पसंद आएगा। आप जब इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो इस तरह से बनाने के बाद थोड़ा सूखा आटा इस पर लगा देंगे और इसे बेल करके तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, पराठे अलग अलग टाइप के बनते हैं और आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको अलग अलग पराठे बेलने के तरीके बताऊंगी। तो इस तरह से आप इसे फैलाते जाइए और थोड़ा पतला करके बेल लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए पराठा बेल करके तैयार हो चुका है और अब इसी तरह से मैं ये सारे पराठे बेल करके तैयार कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे पराठे बेल करके तैयार कर लिए हैं और अब चलते हैं इनके सेकने के प्रोसेस पर। तो यहाँ पर मैंने गैस पर तवा रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दी है, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और अब आप चाहें तो इस पे बटर, घी या ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑयल लगाया है तो एक चम्मच ऑयल आप तवे पर लगा दीजिए और उसके बाद पराठा सेकने के लिए इस पर रख दीजिए और मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट में ये पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे अलट पलट करके आप गोल्डन कलर आने तक पका लीजिए और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है और पराठा फूल भी रहा है। तो फ्रेंड्स, जब आप इसे बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उससे इसका स्वाद और भी बढ़कर आएगा। तो जो भी मसाले हमने डाले हैं उन्हें स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पराठा बनकर तैयार है। इसी तरह से मैं बाकी के पराठे भी बनाकर तैयार कर लूँगी और आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करें और जो भी टिप्स और ट्रिक्स हैं उनका ध्यान रखें। और इन सभी टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रखेंगे तो आपके पराठे भी बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे और खाने वाले आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेथी के और भी कई डिशेस बनती हैं जो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये रेसिपी ट्राई करिए और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। ऐसी आसान रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।